गाइस कैसे हैं आप सब। एनी डिस्टर्बर में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, सबसे पहले तो मैं फेसबुक का बताने जा रही हूँ कि फेसबुक पे आप अपने अकाउंट या अपने पेज पे जाके रील्स कैसे पोस्ट करते हो। ठीक है, ये मैं आपको लाइव बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल उठा लेना है, जो भी है। अगर आप मोबाइल से पोस्ट कर रहे हो, मैं अभी मोबाइल से बता रही हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको सिस्टम पे भी बता दूंगी। ठीक है, मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही मोबाइल ऑन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको करना है, जैसे ही ऑन होगा ठीक है, आपको वो अकाउंट ओपन कर लेना है जिससे आपको रील पोस्ट करनी है। ठीक है, रील का जो साइज होता है ना, मिनिमम 30 सेकंड का होता है, 15-30 सेकंड एक अच्छा टाइम वो है। मैं यहाँ पे थोड़े बड़े मतलब आप 30 सेकंड से 60 सेकंड तक के रील्स पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना फोन ले लेना है। फोन लेने के बाद आपको आपकी स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन पे आना है। ये है यहाँ पे आपका स्क्रीन दिख रहा है, जैसे मेरा, मैंने अपना फोन ले लिया है और यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। तो ये मेरे जो मेरा पेज है ना, उसकी एक स्क्रीन है, प्रॉपर स्क्रीन भी है। सबसे पहले आपको यही दिखेगी, यहाँ पे ये मेरी फोटो दिखा रहा है, यहाँ पे आपकी फोटो होगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे रील का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा। फोटोज पोस्ट करने का आ रहा है, पोल्स आ रहे हैं, गेट मैसेज एंड सब कुछ आ रहा है, बट रील पोस्ट करने का कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ से नहीं पोस्ट करना, बिकॉज आपको रील पोस्ट करनी है। तो आप क्या करोगे, अपनी ये साइड में जो आपकी प्रोफाइल लगी है यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके पेज का नाम होगा वहां पे क्लिक कर देना है, और ये आपका ये डैशबोर्ड एक खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको एड टू स्टोरी का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एड टू स्टोरी का ऑप्शन है, एडवर्टाइज का ऑप्शन है, सी डैशबोर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख जाता है कि आपका पेज कितना हेल्थी है और कैसा पेज है आपका। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है। इसके नीचे आओगे आप तो यहाँ पे देखो आप, व्हाट्स ऑन योर माइंड, ये सही लोकेशन है जहां से आप रील पोस्ट करते हैं। ठीक है, रील पोस्ट करना मतलब अभी क्या है, पहले क्या था, फोटोज पोस्ट करना और सब कुछ था, बट अब क्या है, रील्स का टाइम है। मोस्टली लोग रील्स प्रेफर करते हैं और रील्स पे अर्निंग भी होती है, तो दोनों ही आपका है कि आप रील्स से अर्निंग भी कर सकते हो और रील्स पोस्ट करके आप मतलब अपनी ऑडियंस को और इंगेज कर सकते हो। तो ये देखिए, मेरा व्हाट्स ऑन योर माइंड के जस्ट बगल में नीचे देखिए आप, रील्स लिखा हुआ है, गेट मैसेज है, लाइव लिखा हुआ है। यहाँ से मैं मैसेजेस कर सकती हूँ, लाइव भी कर सकती हूँ, और यहाँ पे मैं रील्स पे क्लिक करती हूँ। फोटोज अगर आपको पोस्ट करनी है तो फोटो का आइकन बना हुआ है, यहाँ से आप फोटो पोस्ट कर सकते हो। रील पे क्लिक कर दो, रील पे क्लिक करते ही जो भी रील आपको पोस्ट करनी है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रील है, कल की मैंने बनाई थी, मैं उसी रील को यहाँ पे ले लेती हूँ। 15 सेकंड की रील आ रही है, ये देखिए मैंने ये रील ले ली यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसे, यहाँ से आप ऑडियो इस रील पे ऐड कर सकते हो। ऑडियो अगर ऐड करना है तो कोई भी ऑडियो आप ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अपने रील पे, इफेक्ट्स डाल सकते हो। अगर कुछ इफेक्ट्स आपको देखने हैं तो यहाँ से इफेक्ट्स भी डाल सकते हो आप इजिली, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये एडिटिंग खत्म हो जाए आपकी, इसे बैक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपके ये स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे लिखा होता है डिस्क्राइब योर रील, कि मतलब आपकी रील किस बारे में है। आप रील तो पोस्ट कर रहे हो बट है किस लिए, तो उसके लिए आपको डिस्क्राइब योर रील पे जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपका जो रील है उसके बारे में लिख देना है, जैसे मेरी रील जो है वो मैंने डाली थी कुछ, ये है आपका गूगल पे, मतलब गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ लिख दिया गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग कैसे करते हैं, ये मैंने लिख दी। ठीक है, इसके बाद आपको हैशटैग डालना कभी नहीं भूलना, हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हैशटैग देखिए बना हुआ है, तो हैशटैग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे रील्स आ जाती है, गूगल मैप जो भी आपका कीवर्ड होगा, जो भी वीडियो होगा उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं। क्योंकि मेरा जो अकाउंट है ना ऑलरेडी, मैं उस पर डिजिटल मार्केटिंग और रील से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ, तो ये आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हैशटैग डाल दिया, जैसे मैंने शॉर्ट वायरल डाल दिया। ठीक है, एक तो शॉर्ट होता है, जब भी शॉर्ट होता है तो शॉर्ट से रिलेटेड एक या दो हैशटैग जरूर डाल दो। बाकी इसके बाद मैंने यहाँ पे गूगल मैप लिख दिया, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैशटैग मैं यूज कर सकती हूँ। इसके साथ साथ मेंशन का ऑप्शन है कि मेंशन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ जैसे ही मैंने मेंशन पे क्लिक किया है, मेरा अकाउंट का मेंशन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। मेंशन करने से क्या होता है कि कोई भी आपके रील पे आता है ना, वो आपके सारे पोस्ट देख सकता है, सारी रील्स पे जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लोकेशन पूछता है, अगर आपको अपनी लोकेशन डालनी है
तो आप ऑब्वियसली लोकेशन जरूर डालिए, क्योंकि इससे क्या होता है जब भी आप लोकेशन पोस्ट करते हो आपकी ऑडियंस जो नियर बाई होती है ना उसे भी आपके बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पे ऑडियंस के लिए लोकेशन जरूर डालिए आप। इसके बाद लोकेशन के बाद यहाँ पे टैग बिजनेस पार्टनर, अगर कोई बिजनेस पार्टनर है आपसे रिलेटेड जिसका ब्रांड है जिसके लिए आप कुछ रील बना रहे हो तो उसको टैग करना है, अगर नहीं है तो उसे आप वहां से क्लोज कर सकते हो। बाकी इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आ रहा है, अभी ये फेसबुक ने स्टार का ये किया हुआ है, इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। और इनवाइट कोलैबोरेटर, अगर किसी ने आपको इनवाइट किया मतलब आप किसी का कोलैब किया, आपने कोई कोलैब किया हुआ है उससे रिलेटेड रील है तो आप यहाँ पे उसको टैग कर सकते हो, ठीक है। ये रील अब इसके बाद बस मुझे यहाँ पे शेयर नाउ पे क्लिक करना है और ये पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप एक बार रिफ्रेश करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है 2-3 सेकंड या 5-10 सेकंड का, उसके बाद ये रील पोस्ट हो जाती है। मैं देखिए मैं तुरंत मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे कम्प्लीट होगी रील पोस्ट हो चुकी है और बस अब आप देख सकते हो। ये देखिए मुझे एक मैसेज आ गया, योर रील इज अपलोडेड, यू कैन व्यू नाउ। तो मैं रूम पे क्लिक कर दूं या फिर डायरेक्ट ऐसे रिफ्रेश करके अपने अकाउंट को रिफ्रेश करके भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी रील पोस्ट हो गई है, ठीक है। तो ये रही रील को अपलोड करने का तरीका जो कि सही तरीका है आपके लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई वीडियो लेके जरूर आऊंगी आपके लिए। ये और रील उसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड मैं सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।